सभी को नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइफ में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा पुलाव, जो कि हमें ये चीजें हमें डालनी होगी, जिसमें हमें आपको गुड़ डालना है, गुड़ के अलावा किशमिश है, किशमिश के अलावा आपका ड्राई फ्रूट्स है जिसमें काजू है, बादाम है और सौंफ है। और चावल ले लिए हमने बारीक चावल, बिल्कुल बासमती वाले, और इलायची भी है, इलायची कूट के डालिए जिससे खुशबू आती है, सैफरन की, इलायची की खुशबू आती है। और आप चाहे तो सैफरन भी डाल सकते हैं, मेरे पास सैफरन नहीं है तो इसमें कलर आता थोड़ा सा, तो वो अलग होता है, मगर हम हल्दी का प्रयोग करेंगे इसमें। इसके अलावा ये शुद्ध देशी घी अमूल का हम यूज कर रहे हैं, काऊ घी, तो उसको डाल के एक मीठा चावल है, एक रेसिपी बनती है, वो हम बनाते हैं और बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा ये। और ये गुड़ के साथ बनता है, बिल्कुल हल्का मीठे में, बड़ा आनंद आता है इसका, खुशबू आती है इसमें आपकी इलायची की। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं इसमें कैसे बनता है। ये चावल ले लिया हमने, चावल हमने एक कटोरी लिया है और हमने चार साइज के छोटे गुड़ लिए हैं, देख लीजिए आप इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। थोड़ा सा आपका किशमिश है तो वो ले लिया है, तो किशमिश की मिठास डालेगी साथ में और गुड़ भी डालेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन आपको बराबर रखना है। और ये हमने इसमें देसी घी डाल लिया है, और ये जो देसी घी दो चम्मच डाला हमने, और इसे गर्म होके फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इसको वो करना है। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दिए हैं, इसे हम भुनेंगे सही ढंग से, ड्राई फ्रूट्स को, किशमिश को, और ये अलग अलग सा स्वाद देगी आपको जब आप खाएंगे बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं और ये एक स्वीट डिश के रूप में भी यूज कर सकते हैं खाने के बाद में। सब कुछ आप हल्के हाथ में, देसी घी की रेसिपी है तो देसी घी में बनाए तो मजा आएगा, बाकी लोग रिफाइंड में बनाते हैं वो एक अलग बात है, मगर देसी घी में बनाए आप, बहुत बढ़िया रेसिपी है ये। चावल धोना है अभी, और ये बन डाल रहे हैं सौंफ और इलायची है जो खुशबू के लिए बहुत जरूरी है चावल में। बिल्कुल देखो किशमिश कैसे फूल गई है हमारी, बिल्कुल मजेदार सी और खुशबू आने लग गई है बहुत बढ़िया सी, जैसे हमने इलायची और सौंफ डाली है बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। और ये चावल है, हमें एक कटोरी चावल लिया है, देखिए ये हम धो रहे हैं और ये डालेंगे, इसे फ्राई करेंगे। तो ये हमने पानी डाल दिया इसके बाद, और गुड़ डाल रहे हैं हम ये, और ये जब गुड़ गलेगा, गुड़ गल जाएगा बिल्कुल सही ढंग से, फिर इसके बाद इसके ऊपर से चावल धो दिए वो डाले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये और इसे खाने में बड़ा आनंद आता है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा फेवरेट वो है डेजर्ट टाइप का। इसे हम ये देखिए पानी और डालेंगे, जैसे जितने चावल पकने के लिए चाहिए उतना पानी हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाली। तो ये हम चावल हैं वो डाल रहे हैं, अब ये चावल जो है, ये चावल जा रहे हैं इसके अंदर ये देखिए, और ये अब धीरे धीरे बनके जैसे चावल बनता वैसे बनेगा, और एक अच्छा सा मीठा चावल जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। इसमें 20 मिनट लगेंगे अभी चावल बनने में, फिर आपको बनाते हैं, बनने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बना है। हेलो, तो दोस्तों ये हमारे जो चावल हैं मीठे वो बन चुके हैं, और इसमें सब आपको दिखाया था कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हैं, और ये बिल्कुल अच्छे होंगे, इसे आप देसी घी के साथ बनाए हमने, अगर आप थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल के खाना चाहते हो तो खाओगे, तो ये बनाइए। और दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान।